उज्जैन के कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रभारी पहुंचे और बैठक में हुए शामिल। उज्जैन शहर पहुंचे कांग्रेस नेता रामनिवास रावत और कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर बैठक में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में उज्जैन शहर के कांग्रेसी नेता मौजूद रहे और इस बैठक में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले कार्यक्रम पर भी रणनीति तैयार की। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय पर स्थानीय कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता और उज्जैन के प्रभारी राम नरेश रावत ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि हमें उज्जैन शहर में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में काम करना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्णय से लोग परेशान हैं, महंगाई चरम पर है, उसको लेकर भी विरोध दर्ज कराना है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एआईसीसी ने अभी किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर एक कार्यक्रम पूरे देश की जनता कांग्रेस कांग्रेस समितियों को दिया है, उसी के संबंध में ये मीटिंग की है कि किसान आंदोलन के समर्थन में किस तरह से कांग्रेस काम करेगी और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एआईसीसी का सर्कुलर है उसके अनुसार पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। साहब, क्या नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है? कुछ वो तो लगातार होती रहती है। हमारे ऑब्जर्वर बाला बच्चन जी हैं और शहर प्रभारी मैडम भंडारी हैं, ये देखेंगे। हमारा काम केवल सब लोगों को जोड़ना है, जो भी प्रत्याशी हो उसको जिताने का काम करना है, ये सबको तैयार हो। आने वाले समय में किस प्रकार से कांग्रेस विरोध दर्ज चला रही है और किस प्रकार से वार्ड में जा रहे हैं और क्या है? जो स्मार्ट मीटर है इसके खिलाफ वार्ड में पैम्फलेट अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इसकी जो कमियां हैं उसको बताकर पूरे क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर जनता को हमारे साथ में देंगे और ये जो बीजेपी की दमनकारी नीति है इसको बंद करेंगे और जनता पे जो अतिरिक्त भार पड़ने वाला है स्मार्ट मीटर को उसे जनता के लिए जागरूक करके बताएंगे। आपको स्मार्ट मीटर में क्या कमी दिखती है? स्मार्ट मीटर में बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे जो गरीब परिवारों को पहले सब्सिडी मिला करती है वो इसमें बंद हो जाएगी। जो 100 रुपये 100 यूनिट की जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने योजना निकाली थी उसको भी ये प्रभावित करेगी। और जो 100 रुपये 100 यूनिट आती थी उनकी यूनिट बढ़कर 150-200 से ऊपर जाएगी। ठीक, ललित मीणा में शहर कांग्रेस। बताइए, आज कांग्रेस कार्यालय पर किस प्रकार से बैठक आयोजित की गई, किन किन विषयों को लेकर आयोजित की गई और क्या रहा? आज हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास जी रावत जी यहाँ पधारे हैं और संगठनात्मक जो चुनाव है उसके लिए और नगर निगम चुनाव के लिए ये बैठक आयोजित की गई है और इसमें सारे जो संगठन के लोग हैं उनको बुलाकर आगामी चुनाव की रणनीति के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।